गणतंत्र दिवस पर हम आपको भारतीय सेना की स्वदेशी शक्ति के दर्शन करा रहे हैं। आज इस कड़ी में हम आपको भारत के एक और अचूक हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत में अर्जुन का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। कौरवों के पास अर्जुन के अचूक निशाने का कोई जवाब नहीं था। अर्जुन का मतलब है एकाग्रता, धैर्य और वीरता। आज भारत की पराक्रमी सेना में भी एक ऐसा ही अर्जुन है। ये एक टैंक है जिसका नाम है अर्जुन। इसे अर्जुन MBT भी कहा जाता है। MBT का मतलब है मैन बैटल टैंक। अर्जुन टैंक का निशाना भी महाभारत के अर्जुन की तरह एकदम अचूक है। मॉडर्न वेयरफेयर में टैंक का काम होता है युद्ध के मैदान में रास्ता बनाना। टैंक आगे चलता है, फौज उसके पीछे चलती है। एक अच्छे टैंक का सबसे बड़ा गुण है शत्रु की जमीन को बिना रुकावट के लगातार कुचलते जाना। सौभाग्य से भारत के पास भी अर्जुन टैंक है जिसके अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं। अर्जुन टैंक ने कई बार अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। गर्व की बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। भारत को डिफेंस इंडस्ट्री में निर्भर बनाने के लिए अर्जुन टैंक का निर्माण इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा प्रयास है। अब आपको अर्जुन टैंक की खासियत बताते हैं। अर्जुन टैंक को 1400 हॉर्स पावर के इंजन से ताकत मिलती है। अर्जुन टैंक की अधिकतम रफ्तार 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऊंचे नीचे रास्तों पर यह टैंक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। वर्ष 2009 में अर्जुन टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इससे पहले अर्जुन टैंक को एक्सपर्ट की टीम ने अच्छी तरह जांचा परखा। 30 वर्ष के रिसर्च के बाद अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किया गया। इस समय अर्जुन टैंक की दो रेजिमेंट्स राजस्थान में भारतीय सीमाओं की रक्षा कर रही हैं।